चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक स्टेटमेंट आपको समझनी होगी, तो सॉल्व करते हैं कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग के पास में कौन सा है, दैट इज सम ए आर बी। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए सम ए, ये ए का गोला है, ठीक है, सम ए आर बी, ये हो गया आपका बी का गोला। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, दैट मीन्स जो ए का पार्ट है वो क्या है मेरा, बी के अंदर भी है, और जो बी का पार्ट है वो ए के अंदर भी है। दैट मीन्स दिस पोर्शन यू कैन से दैट सम ए आर बी, ठीक है। चलिए ये सबसे बेसिक, आपको अगर बेसिक्स नहीं है समझ में तो काफ़ी डिफिकल्ट होगी आपको, ठीक है। चलिए इसी तरह से ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड एंड थर्ड बेसिक स्टेटमेंट्स ऑफ सिलॉक्स। सिलॉक्स सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है आप विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सॉल्व करें। देखिए इस डायग्राम को किस तरह से बनाए जाएंगे, इस स्टेटमेंट को ऑल ए आर बी, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ऑल ए आर बी, ठीक है। दैट मीन्स ए का जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट वो पूरा का पूरा क्या है मेरा, बी के अंदर है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑल ए आर बी। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट इज नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब होता है जो ये ए है और जो ये बी है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये हो गया मेरा ए का बाउंड्री, ठीक है ना, ये हो गया मेरा ए का बाउंड्री और ये हो गया मेरा बी का बाउंड्री। क्या इन दोनों का बाउंड्री में कुछ टच है, टच नहीं हो रहा है ना, दोनों आपस में अलग अलग है, दूर है। दैट मीन्स नो ए इज बी, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे आपकी और भी कंसेप्ट जो है जो पॉलिश हो जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। बेसिकली आपके क्वेश्चंस में आपके दो क्वेश्चंस दिए गएंगे जो कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, और आपको ये स्टेटमेंट को डायग्राम के साथ ड्रॉ करके आपको कंक्लूजन को मैच करना होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं पहला स्टेटमेंट, दैट इज सम रिमार्क्स आर कमेंट्स। रिमार्क्स, ऑल रिमार्क्स लिखने की कोई नीड नहीं है, जस्ट यू कैन राइट डाउन द इनिशियल्स आर एंड इनिशियल्स सी, दैट इज सम रिमार्क्स आर कमेंट्स एंड सम कमेंट्स आर बर्ड। अब लिख सकते हैं सम कमेंट्स आर बर्ड। चलिए अब कंक्लूजन मैच करते हैं। कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन क्या बोल रहा है, देखिए सम रिमार्क्स आर बर्ड्स, ये रिमार्क्स है और ये आपका बर्ड्स है। दिस इज रिमार्क्स एंड दिस इज बर्ड्स, क्या दोनों में कोई रिलेशन लग रहा है, आर का रिमार्क्स का बाउंड्री ये है और बर्ड्स का बाउंड्री ये है, दोनों में टच हो रहा है क्या आपस में, नहीं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकेंडली सेकेंड कंक्लूजन इज सम बर्ड्स आर कमेंट्स, तो आप बोल सकते हैं बर्ड्स का बाउंड्री ये है और कमेंट्स का बाउंड्री ये है, इन दोनों में क्या हो रहा है, टच हो रहे हैं। दैट मीन्स सेकेंड कंक्लूजन इज राइट। वी कैन से दैट ओनली टू कंक्लूजन, ओनली टू कंक्लूजन फॉलोस, डन। दैट मीन्स ओनली टू कंक्लूजन फॉलोस। सिमिलरली सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट टू। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट को भी सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस। देखिए इसको डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, नो फ्रूट इज फील्ड, दैट मीन्स नो फ्रूट इज फील्ड, नो फ्रूट इज फील्ड, नो फ्रूट इज फील्ड, ऑल फील्ड्स आर पिंक, ये पूरा का पूरा जो फील्ड है वो आपका पिंक है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो फील्ड है वो पिंक है। फ्रूट्स और फील्ड में कोई भी रिलेशन नहीं है और ये जो पूरा का पूरा फील्ड है वो पिंक के अंदर है। चलिए कंक्लूजन को मैच करते हैं। कंक्लूजन नंबर वन, ऑल फ्रूट्स इज फील्ड, क्या पूरा का पूरा फ्रूट्स फील्ड हो सकता है, जब आपको स्टेटमेंट में डायरेक्टली बोल दिया है फ्रूट्स और फील्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग। सिमिलरली कंक्लूजन टू चेक करते हैं, सम फ्रूट्स आर फील्ड, क्या कुछ फ्रूट्स फील्ड हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, जब फ्रूट्स और फील्ड के बीच में दो ऑलरेडी नेगेटिव रिलेशन है तो दोनों में रिलेशन कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स नन
कंक्लूजन नन कंक्लूजन फॉलोज। डन। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल सोफाज आर बेड, ऑल सोफाज आर बेड एंड सम बेड्स आर टेबल, सम बेड्स आर टेबल्स। कंक्लूजन वन मैच करते हैं। सम सोफाज आर टेबल, क्या कुछ सोफाज जो है वो टेबल्स है। सोफाज का बाउंड्री आपका ये रहा और टेबल्स का बाउंड्री ये रहा, क्या दोनों में कोई बाउंड्री टच हो रहे हैं। नहीं, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। सिमिलरली नाउ वी विल चेक द सेकेंड कंक्लूजन, दैट इज सम टेबल्स आर बेड। ये टेबल्स का वो बाउंड्री है आपका, ठीक है ना, और ये है आपका बेड्स का बाउंड्री। दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में आपके टच हो रहे हैं, दैट मीन्स रिलेशन स्टाब्लिश हो रहे हैं। देन वी कैन से दैट ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, चलिए ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन सिलॉक्स के, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपको इसके पॉसिबिलिटीज केसेस और ओनली एंड फ्यू केसेस के जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आ रहे हैं वो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस कौन सी चाहिए, कौन से टॉपिक में चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, ताकि मैं और भी एनर्जेटिक होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आ पाऊँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, तो हम लोग के BSC एकेडमी बेलतोला में हम लोग के ऑफलाइन कोचिंग्स भी चलती हैं, और यहाँ पे वीडियो के एंड में आपको एक नंबर दिए जाएंगे डिटेल्स एड्रेस के साथ, तो आप वहाँ पे जाके क्लासरूम के इंफॉर्मेशंस और एडमिशंस भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।